पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं और सिलेबस हो चुका है कि क्या क्या सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोगों को कुछ स्केल के बारे में पढ़ना है कि जो हम लोग स्केल यूज करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, वह कौन कौन से स्केल यूज करते हैं फाइनल ईयर की ड्राइंग बनाने के लिए, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आप लोग 150, 120 या 130 इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर और भी स्केल इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ स्केल लिखे गए हैं, 100, 150, 140, 130, 125, 120 और 110। जो बच्चों को सबसे बड़ी समस्या आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो हमारे स्केल के अनुसार कितना आएगा, कितना हम लाइनिंग खींचें। तो फाइनल ईयर की ड्राइंग बनाने के लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है, क्योंकि इसमें जो दूरी दी रहती है, कुछ दूरियां आपकी सेंटीमीटर में दी रहती हैं, कुछ दूरियां एमएम में दी रहती हैं, कुछ दूरियां मीटर में दी रहती हैं। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, कितने दूरी खींचनी है, कितनी लंबाई का रेखा खींचना है, उसी के लिए यह स्केल पे एक वीडियो बनाया जा रहा है। और इसमें जो स्केल में है, अगर जो दूरी की बात किया जाए कि आपका दूरी जो भी दिया हुआ है, दूरी का एक मात्रक होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या एमएम होगा, तो जो आप स्केल यूज करेंगे उस स्केल के लिए, मान लीजिए आपने स्केल 120 यूज किया, स्केल आपने 120 यूज किया, तो स्केल हमेशा जो लिखा जाता है हमारी दूरी को कन्वर्ट करने के लिए, वह लिखा जाता है 1/20 और गुड़े आपका क्या हो जाएगा, जो दूरी होगी, और दूरी का जो मात्रक होगा उस मात्रक में हम लोग लिख देंगे। तो जिस मात्रक में दूरी को लिखेंगे, जब इस पूरे चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोगों का जो भी यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, तो जो आपका मान आएगा वह उसी मात्रक में आएगा जिस मात्रक में यहाँ पर दिया हुआ है। अगर जो दूरी हम लोग मीटर में ले रहे हैं, तो हमारे कन्वर्ट होने के बाद भी दूरी आपकी क्या आएगी, मीटर में आएगी। सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में ही आएगी। तो अब एक एक करके बात करते चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1/200। तो यह आपका लिखा जाएगा 1/200। उसके बाद दूरी इसलिए लिखे हैं कि जो भी आपकी दूरी होगी, यदि हो सकता है वह सेंटीमीटर में हो सकता है आपका मीटर में हो, क्योंकि ड्राइंग में जो डाटा दिया हुआ है वह मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में भी दिया रहता है। तो यहाँ पर कोष्ठक में लिखा गया है मात्रक, तो जिस मात्रक में आपका दूरी है उसी मात्रक में उसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस पूरे चीज़ को आप, आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा यहाँ पर, वह आपका जो रिजल्ट आएगा, वह आपका रिजल्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा, और मात्रक जो आप यहाँ पर मात्रक यूज किए रहेंगे, वही मात्रक आपका नक्शे में भी आ जाएगा। यह आपकी वास्तविक दूरी है, जो आपका क्वेश्चन में दिया होगा वास्तविक दूरी, वो आपकी वास्तविक दूरी है, और यहाँ पर जो आप दूरी आएगा कैलकुलेशन करने के बाद, वह दूरी आपकी नक्शे की दूरी होगी, जो आप ड्राइंग बनाएंगे उसमें उतनी दूरी आपको खींचनी है। अब बात करते हैं दूसरा है आपका 100। 100 में 100 इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो मात्रक होगा, यदि मीटर में है तो हम मीटर में रख देंगे, तो वह मात्रक आपका रिजल्ट जो आ जाएगा वह उसी मात्रक में आ जाएगा। इतना ही जितना आएगा, इतना ही मीटर हम लोग, या जो भी मात्रक है सेंटीमीटर है, उतने ही मीटर हम लोग नक्शे में उस लाइन को खींचेंगे। अब यदि वो इसी तरह आपका 150, 140, 130, 25, 20 को तो हम लोग बता भी चुके हैं, 110 का भी यही है। अब इसके बाद यहाँ पर एक बीच में आपको एक और कॉलम बना कर रखे हैं, जो आपको एक स्टैंडर्ड होता है कि हमारा 1 मीटर कोई डिस्टेंस है, उसको हम किसी भी स्केल में बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर।
तो हम लोग यहाँ पर 100 सेंटीमीटर को बदलेंगे, तो यहाँ पर जो भी आप देखिए, जब 200 के स्केल में कन्वर्ट करते हैं, 1 200 × 100 सेंटीमीटर मात्रक लिख दिया गया है, तो 100 सेंटीमीटर है, तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर उपलब्ध होगा, उस कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो अब जो नक्शे में हमारी जो रेखा खींची जाएगी, वह खींची जाएगी 0.5 सेंटीमीटर की, जब हमारी उस ड्राइंग की स्केल 1 200 होगा तो। और दूरी कितनी होगी, वास्तविक दूरी जो हमारी, जिस वास्तविक दूरी में हमारे जो भी नक्शा जो भी ड्रा वो बना है, वो आपका 1 मीटर होगा। तो इसी तरह आपका 100 100 में जब आप कन्वर्ट करते हैं 1 मीटर को, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये आता है 1 सेंटीमीटर। 150 में 2 सेंटीमीटर, इसीलिए इसी तरह 140 में भी 2.5 सेंटीमीटर, 130 में 3.33 सेंटीमीटर, 125 में 44 सेंटीमीटर और 120 में 5 सेंटीमीटर और 110 में 10 सेंटीमीटर। इसीलिए इस सारे को अंडरलाइन, सभी वैल्यू को इसलिए अंडरलाइन किया गया कि यह आपका एक यूनिट की तरह कार्य करता है, कि 1 मीटर हमारी जो डिस्टेंस होती है उसको हम किसी भी स्केल में कन्वर्ट करते हैं, तो नक्शे पर हमारी जो रेखा खींची जाएगी, जो हम नक्शा बनाएंगे या ड्राइंग जो हम बनाएंगे, उसमें हम कितनी दूरी लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में आपके, मान लेते हैं कि आपके 5 मीटर की डिस्टेंस है, जिसको 140 यहाँ सर्किल इसलिए किया गया है कि जब हम दूरी को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो जो हमारी स्केल होती है, मान लीजिए स्केल हमने 140 लिया, तो 1 संबंधे 40, इस तरह से हमारी स्केल ऊपर तो हम लिखे ही रहते हैं, तो इस तरह से नहीं लेना रहता है। यह इसका मतलब होता है जो यहाँ पर सर्कुलर किया गया है, 1/40। उसके बाद हम किसको ले रहे हैं, 5 मीटर को ले रहे हैं, तो यह 5 मीटर, और मीटर में भी अंडरलाइन है क्योंकि हमारी जो दूरी है वो मीटर में है। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा मीटर में आएगा, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया मीटर को, सेंटीमीटर में कर दिया, जो आगे वाली लाइनिंग में है। 1/40 40 × 500, और मात्रक क्या है, सेंटीमीटर है, अंडरलाइन किया हुआ है, यह इक्वल टू हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब यदि कोई 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो आपको मात्रक बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एज वैसे ही रख सकते हैं। तो 140 के स्केल में यदि हमको कन्वर्ट करना, सॉरी 125 के स्केल में यदि हमको कन्वर्ट करना है, तो 125 के स्केल में जब हमको कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 125, 1/25 × 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इजकल टू कितना आ जाएगा आपका, 0.4 सेंटीमीटर, जबकि हमारी स्केल में 0.4 सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 4 mm। आपको जो भी रेखा खींचनी रहेगी वो कितना खींचेंगे, 4 mm का। उसके बाद आपका है 15 सेंटीमीटर को बदलना है, हमने मान लिया कि वह स्केल आपकी क्या है, 1/10 या 1/10 की स्केल है, 1/10 की स्केल है, तो इसको हम लोग जो सर्कुलर किया गया है कि 1/10 कर देंगे, 15 सेंटीमीटर कर देंगे, जो हमारी दूरी है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर आप स्केल में जानते हैं कितना होता है, इसको 15 mm हम अपने स्केल में दूरी को मेजर कर लेंगे, माप लेंगे, खींच लेंगे उतनी दूरी। यदि 3 मीटर की कोई डिस्टेंस है, 3 मीटर की डिस्टेंस है, तो इसको 1/30 हो गया, 1/30 जो हमारी 1/30 की स्केल है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1/30 × 3 मीटर, तो 3 मीटर आपकी हो जाएगी 300 सेंटीमीटर, और जब पूरे को सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्योंकि एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा पूछता है, उस क्वेश्चन को हम लोग उस सब सबसे पहले सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, और जो कम पूछता है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे। धन्यवाद, और आप लोग पॉलिटेक्निक कैप्सूल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें,
जिस भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ चाहिए वह सब्जेक्ट आपको पॉलिटेक्निक कैप्सूल नाम की टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।